हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हमारे डेयरी फार्म पर हम लोग नई वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारे डेयरी फार्म को वॉश करते हुए दिखाएंगे। आइए अब हम लोग वीडियो में दिखाते हैं कि हम लोग हमारे डेयरी फार्म को किस प्रकार से वॉश करते हैं और कैसे वॉश करते हैं। हम लोगों ने सारी गायों को बाहर निकालने के बाद में हम लोगों ने मेट को अच्छे से जमा दी थी, और जमाने के बाद में ये मेट इस प्रकार से दिखाई दे रही है आपको। हमको वॉश करने से पहले हम लोग गायों को पहले अच्छे से निलाएंगे और फिर उसके बाद में हम लोग को मेट को धोएंगे। और आइए अब हम लोग वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोग हमारे डेयरी फार्म को किस प्रकार से वॉश करते हैं। हमारी मिल्किंग मशीन है, मिल्किंग मशीन के साथ में हम लोगों ने वॉशिंग का भी सिस्टम ले रखा है। ये वॉशिंग के सिस्टम में हम लोगों ने बेल्ट वगैरह कंप्लीट कर दी है, और ये हमारा पानी भी रेडी हो चुका है। और अब हम लोग आपको वीडियो में दिखाते हैं हम लोग वॉश कैसे कर रहे हैं। हमारे डेयरी फार्म को मिल्किंग मशीन के वॉशिंग सिस्टम से वॉश करते हैं, जिसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। हम लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है कि हम लोगों को गाय को किस प्रेशर को निलाना है। आइए हम लोग अब वीडियो में दिखाते हैं कि हम लोग हमारे डेयरी फार्म को और गायों को कैसे निलाएंगे। गायों को निलाने के लिए 20 पे प्रेशर लेके आए गायों के लिए। अगर हम लोग ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो गायों को आर्डर में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोग कम प्रेशर पर गायों को निलाते हैं। और हम लोग गायों को कुछ इस प्रकार से निलाते हैं। फाइनली हमारी गायों को हम लोगों ने निला दिया है। अब हमको गायों की मेट की साफ सफाई करनी है। अब आगे हम लोग वीडियो में दिखाते हैं कि हम लोग गायों की मेट की, हम लोगों ने हमारे पानी पीने का ऑटोमेटिक सिस्टम उसकी भी साफ सफाई अच्छे से कर ली है। फाइनली हम लोगों ने हमारे डेयरी फार्म की अच्छे से साफ सफाई कर ली है। फाइनली हमारी मेट की भी साफ सफाई चल रही है अभी। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।